गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं द। ठीक है, अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए और देखिए। द से दस, द से दस, दस नंबर है, टेन। ठीक है, द से दवात, द से दवात, दवात यानी इंक। ठीक है, द से दर्जी, द से दर्जी, टेलर जो अपने कपड़े सीता है। द से दर्पण, दर्पण यानी मिरर। ठीक है, द से दरवाजा, दरवाजा यानी डोर, द से दरवाजा। ठीक है बच्चों, अभी आज लिखना सीखते हैं द। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इंजन, ई से ईट, उ से उल्लू, उ से ऊंट, रू से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओम, औ से औषधि, अम से अंगूर, अहा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गुलाब, घ से घर, अंग, च से चीता, छ से छतरी, ज से जग, झ से झूला, नी, त से टमाटर, ट से ठंडा, ध से ठंडा, ध से डफली, ध से ढक्कन, न, त से, त से तरबूज, ध से थाली, द, द से दबा। ठीक है बच्चों, तो देखिए द कैसे लिखते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे क बनाइए जो थर्ड ब्लू लाइन तक टच करे। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्किल या कर्व, ओके, राइट कर्व, और उसको ऐसे ऊपर तक लेकर जाइए, लेकर जाके इसे ऐसे घुमाइए नीचे की तरफ, तो ये और ऊपर स्लीपिंग लाइन लीजिए। ये हो गया द। द से दरवाजा, द से दबा। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से एक बार देखिए, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए, राइट कर्व, ऊपर लेकर जाइए और नीचे लाइए और ऊपर स्लिपिंग लाइन। सो ये हो गया द। ठीक है बच्चों, देखिए स्टैंडिंग लाइन, कर्व, तो ये हो गया द से दबा, द से दर्पण, द से दरवाजा। ठीक है, देखिए स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, ऐसे घुमाना है और नीचे ले जाना है, तो ये हो गया द से दर्पण। ठीक है बच्चों, ठीक है, अपनी नोटबुक में और वर्कबुक में लिखिए आप लोग। ठीक है, बहुत आसान है। धन्यवाद बच्चों।